आपका जो जिस तरीके की मुहिम चलाई है बहुत अच्छी मुहिम है, इसको आप और भी वर्ग में चलाएं, और अधिवक्ताओं के लिए मेरा यही कहना है। ठीक करने के एक तो हमारे करीब इसी कोरोना काल में काफ़ी एडवोकेट मर गए, तो उनकी डेथ हो गई, उसमें अभी काफ़ी फार्म पेंडिंग पड़े हैं, लगभग 1200 फार्म हमारे अधिवक्ता साथियों के पड़े हुए हैं, उनके परिजन जो है चक्कर लगा रहे हैं, उनको अभी सरकार से पैसा नहीं मिल पाया है इसके लिए। दूसरे हमारे अधिवक्ता साथी जो है, कुछ आप देख रहे होंगे कि कचहरी में टीन सेट में बैठे हुए हैं, छप्पर में बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि मड़ई मुक्त छप्पर मुक्त हम सभी एडवोकेट्स को चैम्बर्स दिला ले जाएं गवर्नमेंट से बात करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, और मैं आपके साथ आकाश राज। अभी हम मौजूद है लखनऊ के सिविल कोर्ट में, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के बार काउंसिल ऑफ यूपी के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इनके कंधे पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है, और वो कैसे अपने कार्य को करते हैं, और अब तक जब से इन्होंने पदभार संभाला इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या बेहतर करना चाहते थे, इस सब बारे में उनसे बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका आईपा में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का वाइस चेयरमैन प्रदीप कुमार सिंह। आप बार काउंसिल उत्तर प्रदेश जो है 4 लाख एडवोकेट्स को गवर्न करती है, जो कि 4 लाख एडवोकेट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं लगभग, और जिसमें से 2,10,000 COP धारक हैं। और बार काउंसिल जो एडवोकेट्स के हेल्थ के लिए प्रोग्राम चलाती है, उनके चैम्बर के लिए कोशिश करती है, जो एडवोकेट्स की डेथ हो जाती है उनको सरकार से 5 लाख रुपए दिलाने का काम होता है। तो इस तरीके के विभिन्न, जैसे जो अधिवक्ता कैंसर पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनके लिए कार्य करती है, या कहीं बार और बेंच में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको सॉल्व करती है, अधिवक्ताओं के जो समस्याएं हैं उनको निदान करती है, एडवोकेट्स के डिस्प्यूट होते हैं उनको देखती है, या एडवोकेट्स की कंप्लेंट होती है उनको देखने का कार्य करती है। सर, आपने जब से पदभार संभाला था या रहे हैं आप, तो आपने क्या क्या बेहतरी के लिए काम किया है? सबसे पहले बेहतरी के लिए काम किया, जब मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में चुन के गया तो सबसे पहले देखा कि वहाँ करीब 10,000 फार्म पेंडिंग पड़े थे रजिस्ट्रेशन के लिए, अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, उनके फार्म कुचले हुए जा रहे थे, तो सबसे पहले उनको रजिस्टर कराया कि रजिस्टर हो जाएंगे तो कोई भी दुर्घटना उनके साथ हो जाती है तो उनको जो भी अधिवक्ता होने का लाभ मिलता है वो लाभ मिल जाएगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो अगर वो रजिस्टर न होते तो उनको 5 लाख का बीमा नहीं मिल पाता, वो वंचित रह जाते। तो सबसे पहले वो काम कराया, और जो लोग एडवोकेट अगर रजिस्टर ना हो पाते तो कुछ एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के बाद ही दे सकते हैं, तो वो कि जल्दी से जल्दी वो लोग रजिस्टर होके वो एग्ज़ाम दे सकें, तो ये काम कराया। तीसरी चीज़, जो एडवोकेट बीमार थे तो उसमें केवल पहले शुरुआत में 10,000 रुपये धनराशि उनको मेडिकल एड दी जा रही थी, तो वो देखा कि कैंसर पीड़ित या जो लोग हैं उनको वो ये धनराशि कम है, तो उसको बढ़ाने की बात की, 50,000 ले जाने की बात की, लेकिन उसको 25,000 10,000 से 25,000 करा दिया गया। और हमारे आते ही गवर्नमेंट से हमने बात की, जो एज लिमिट 60 साल तक थी उसको 60 साल से बढ़वा के 70 साल करवा दिया गया, और जो स्टाइपेंड नहीं मिलता था गवर्नमेंट से नए एडवोकेट के रजिस्टर होने पे, तो रजिस्टर होने के बाद 5,000 रुपये वो शासन से दिलवा दिए गए, वो वितरित होने के उसमें आ गया है। और नए जो बार संघ हैं उनको लाइब्रेरी देने का, वो लाइब्रेरी वितरित हो रही है, ई लाइब्रेरी वितरित कराया है, दिलवाया है, ये सब काम है। और बाकी पिछली गवर्नमेंट में केवल 19 करोड़ रुपए मिले थे जो मृत अधिवक्ता के परिजन को, अब की हम लोगों ने कोशिश करके करीब लगभग तीन वर्ष का समय हुआ है, और 68 करोड़ 20 लाख रुपए हम लोगों ने इस गवर्नमेंट से दिलवा चुके हैं, उनके परिवार के खाते में पहुंच के जो मृत अधिवक्ता हैं उनके परिजनों को मिल चुका है। और अभी यहाँ पे मौजूदा क्या क्या समस्याएं हैं जो लगता है कि आपको बहुत जरूरत है उन क्षेत्र में काम करने की, उस चीज़ों को ठीक करने की? ठीक करने के एक तो हमारे करीब इसी कोरोना काल में काफ़ी एडवोकेट मर गए, तो उनकी डेथ हो गई, उसमें अभी काफ़ी फार्म पेंडिंग पड़े हैं, लगभग 1200 फार्म हमारे अधिवक्ता साथियों के पड़े हुए हैं, उनके परिजन जो है चक्कर लगा रहे हैं, उनको अभी सरकार से पैसा नहीं मिल पाया है इसके लिए। दूसरे हमारे अधिवक्ता साथी जो है, कुछ आप देख रहे होंगे कि कचहरी में टीन सेट में बैठे हुए हैं, छप्पर में बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि मड़ई मुक्त छप्पर मुक्त हम सभी एडवोकेट्स को चैम्बर्स दिला ले जाएं,
गवर्नमेंट से बात करके, कुछ जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हमने गोरखपुर को, लखनऊ को, शाहजहाँपुर को और रायबरेली को, झांसी को, इस तरीके से 16 करोड़ रुपए लगभग गोरखपुर को दिलाए हैं और 16 ही करोड़ रुपए जो है लखनऊ को दिलाया गया है, 5 करोड़ रुपए शाहजहाँपुर को और रायबरेली को भी 5 करोड़ रुपए और झांसी को 5 करोड़ रुपए दिलाया गया है और उनके चैम्बर बन रहे हैं का कार्य प्रगति पे है। बाकी हम चाहते हैं कि और आगे अगर गवर्नमेंट आएगी या जिस तरह की भी गवर्नमेंट रहेगी उनसे डिमांड करेंगे कि सभी अधिवक्ताओं को बैठने के चैम्बर उपलब्ध हो जाएं। तो आप तो पूरे यूपी के बार काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं, तो आप बहुत जगह जाते भी होंगे, सभी जगह देखते होंगे क्या क्या है, तो ज़्यादातर कौन किस तरह की समस्याएं आती है वकीलों को, ज़्यादातर क्या जूझना पड़ता है समस्या? सबसे ज़्यादा हमारे अधिवक्ता भाइयों को ये कोरोना पीरियड में किसी भी सरकार, मतलब किसी भी सरकार ने या किसी सरकार से एक रुपये मदद नहीं मिली, उनका कामकाज ठप हो गया। और वो क्योंकि अधिवक्ता की डेफिनेशन में है कि वो और भी मतलब कार्य नहीं कर सकता, दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो ये लॉकडाउन वाला पीरियड में वो अपने घर पे रहा, उसको कहीं से एक पैसे की मदद नहीं मिली, ये दिक्कत वाली बात रही। और इसमें काफ़ी हमारे अधिवक्ता साथी, तो हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इस तरफ रहे कि उनको कुछ पैसा दिया जाए। जिस तरीके से प्रेस के मीडिया के लोगों को 10 लाख रुपए डेथ पे दिया गया, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कोविड पीरियड में जो एडवोकेट्स की डेथ हुई है उनको 10 लाख रुपये गवर्नमेंट दे, उनके परिजनों को। अच्छा, और एक चीज़ आप जानना चाहें कि न्याय की जो प्रक्रिया है तो अपने हिंदुस्तान में काफ़ी लेट मिलती है, आम नागरिक मतलब कितने लोग तो लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं उनको, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो ऐसी जो व्यवस्था जो टूटी पड़ी है, चरमराई हुई है, तो ऐसे को इसे आप कैसे देखते हैं और इसमें क्या बेहतर हो सकता है? इसमें अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सेमिनार कराया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब थे और माननीय कानून मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के किरेन रिजिजू साहब थे। तो उसमें ये एक विचारधारा आ रही है कि जो भी जिसको भी न्याय मिलना है वो 3 साल के अंदर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हम लोग भी चाहते हैं कि विलम्ब ना हो, जल्दी से जल्दी न्याय प्रक्रिया में लोगों को जो भी मिलना हो, कि किसी भी कोर्ट में फाइल हो तो उसका 3 साल के अंदर डिस्पोजल हो जाए, जो भी सस्ता और सुलभ न्याय उसको मिल जाए, तो ये हम चाहते हैं। और इस पर कार्रवाई की जा रही है और क्योंकि कुछ कानूनी दाव पेच हैं इस वजह से थोड़ा लेट होता है, यहाँ पे भी टाइम लगने वाला है इसको, मतलब ये आने वाले समय में त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद करते हैं आने वाले, लेकिन ये समय अभी लगेगा, तो कम से कम हमको लगता है 4-5 साल और लगेंगे इस प्रक्रिया को अपनाने में, कुछ सुधार होने में, सुधार की गुंजाइश है, सुधार होना भी चाहिए। अच्छा, अभी हम कुछ बात की थी लोगों से, तो कुछ एक बात आई थी कि प्रोटेक्शन एक्ट भी मतलब वकीलों के लिए लाया जाए जिससे वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके, तो आप क्या देखते हैं इससे? ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बन चुका है और दूसरी चीज़ इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी ही सदन में अपने यहाँ रखेगी। हम चाहते हैं हर स्टेट में होना चाहिए, ये ज़रूरी है अधिवक्ताओं के हित के लिए, क्योंकि कई कभी कभी ऐसी डेलाइट मर्डर हो जा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए और इसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है और उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में जल्दी ही इंप्लीमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट इस उसमें कुछ कदम आगे बढ़ा रही है। अच्छा, हमने सर जो मुहिम चलाया आईपा के माध्यम से, तो आपका क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है आपको? आपका जो जिस तरीके की मुहिम चलाई है बहुत अच्छी मुहिम है, इसको आप और भी वर्ग में चलाएँ और अधिवक्ताओं के लिए मेरा यही कहना है कि जितना, क्योंकि गवर्नमेंट से अभी कोई चीज़ मिली नहीं है, क्योंकि उसमें सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं है लेकिन जो वहाँ ऑफिसर्स बैठे हैं उनका दोष है, इस वजह से ये स्कीम, कोई भी स्कीम है उसका लाभ अधिवक्ताओं तक नहीं पहुँच पा रहा है, उनके ऑफिसरों का दोष है और माननीय मुख्यमंत्री जी या गवर्नमेंट के जो कानून मंत्री हैं उनका हमको नहीं लगता, लेकिन यह है कि जो गड़बड़ी है वो वहाँ पर जो पद पे बैठे हुए सरकारी जिम्मेदार अफसर हैं उन वो काम नहीं कर रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं जिनसे नाराज भी हैं और ये चाहते हैं कि मेडी क्लेम हो अधिवक्ताओं के लिए, ताकि उनको भी अगर कोई किसी महामारी में मर जाते हैं तो उन्हें पैसे मिले, उसके बाद प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जैसे वकील अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बाकी इनका कहना है कि सरकार तो ठीक है लेकिन जो अधिकारी हैं और जो ऑफिसर से वो काम नहीं करते हैं। तो अभी सुन रहे थे बार काउंसिल ऑफ यूपी के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह जी को, इन्हें अपनी सारी बातें खुलकर बताई और ये यही चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट हो सपोर्टेड हो और वो भी एडवोकेट लोग के परिस्थितियों को जाने
उनसे मतलब उनकी जो समस्या है उनको नज़र में रखें और उन पर कार्य करें। तो आप देखते रहिए आईपा, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारा यही उद्देश्य है कि मैं ऐसा मंच तैयार करे जहाँ बात हो प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक विकास की। तो आप देखते रहिए आईपा, आपको जो भी सुझाव हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।